हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग इन यूएई। आई जस्ट स्टार्टेड व्लॉगिंग। तो ये व्लॉग स्पेशली यूएई में जो लोग जॉब देखने के लिए आ रहे हैं या आ चुके हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करें, किधर अप्लाई करें, आप कोई भी फील्ड के हो। तो भाई लोग, हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग दुबई में ख़दम रख देंगे तो आपकी मेहनत शुरू हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली दुबई घूमने की जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, काफ़ी अच्छे प्लेसेस है घूमने के लिए। भाई लोग, और एक बात बताना चाहूँगा, जो कोई भी दुबई में यूएई में नया आ रहा है, यहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपको देखकर सोचकर आपको हर चीज़ करनी होगी। जैसा कि रोड क्रॉसिंग का फ़ाइन है 200 दिरहम, इंडिया का बन गया आपको तकरीबन 4,600 रुपये। तो आपको ध्यान रखना होगा। इवन इन मेट्रो बसेस फूड इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, आपको उसका भी फ़ाइन पड़ेगा। 200 दिरहम से 1,000 दिरहम तक का फ़ाइन है। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं बस में या मेट्रो में, आपके पास नॉल कार्ड में 20 दिरहम होना चाहिए। अगर आपके पास बिना अमाउंट के आप लोग बस में चढ़ेंगे तो उसका भी फ़ाइन 500 दिरहम से 1,500 दिरहम का फ़ाइन पड़ेगा आपको। तो जो कुछ भी कर रहे हैं आप, ध्यान रखिए। नई जगह है, नहीं मालूम तो आप लोग किसी से पूछिए, उसके बाद आप लोग ट्राई करिए। गाइस, फ़िलहाल अभी यूएई का वेदर बहुत अच्छा है, विंटर चल रहा है यहाँ पर, जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको फिरने में घूमने में तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी देखा जाए तो एक्सपेंसिव पड़ेगा विज़िटर्स के लिए, और जो कोई यूएई में दुबई में नए हो उनके लिए एक्सपेंसिव रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। आप जहाँ कहीं भी अकोमोडेशन ले रहे हो, आपका आप माइंड में एक बात रखिए कि आपका अकोमोडेशन जो है मेट्रो स्टेशन से करीब हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो भाई लोग, हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले आपको अपना सीवी बनाना होगा अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। आप कोई भी फील्ड के हो, आप हॉस्पिटैलिटी के हो, आप मार्केटिंग के हो, आप सेल्स के हो, आप मेडिकल के हो, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सीवी होना चाहिए। तो उसी के लिए हमें सुबह शाम मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ऐसे कि नहीं कि भाई निकल जाओ, पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ, ठीक है, हमारी अकॉर्डिंग टू आवर फील्ड हमें सीवी बनाना पड़ेगा। सीवी बनाकर यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस है जहाँ पर 100% जॉब मिलने के चांसेस है, और फ्रीक्वेंट जॉब्स अपडेट मिलते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशंस में। तो मैं बताऊँगा आपको डिटेल में। हमारा एम है, हमारा टारगेट है हमारी जॉब को हासिल करना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये एप्लीकेशंस बताऊंगा, कैसे अप्लाई करें, किधर किधर अप्लाई करें। तो पहला हो गया लिंक्डइन। लिंक्डइन में हमको हमारा डिटेल्स पूरा डालना पड़ेगा, हमारा फील्ड, हमारा क्वालिफिकेशन, नेम, हमारा एक पिक्चर बेहतर रहेगा फॉर्मल्स में। तो जो भी फील्ड के हो आप हॉस्पिटैलिटी के हो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के हो, मेडिकल के हो, सभी कंपनीज़ को सर्च करके आपको वहाँ के मैनेजमेंट में, HR टीम में उनको कनेक्ट करना है। लिंक्डइन में कनेक्ट होकर उनसे कम्युनिकेशन शुरू करना है, उनसे कम्युनिकेशन रखना है। तो इसी तरह हमको जो है कुछ ना कुछ लीड्स मिल सकते हैं, चांसेस है लीड्स मिलने के। और दूसरा एप्लीकेशन है डोबिजल, बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है। मैं 2014 में मेरा करियर शुरू किया था, मेरा फील्ड है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो 2014 में मेरा करियर शुरू हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन के साथ 3 साल के ऊपर ही काम किया हूँ। डोबिजल के थ्रू मुझे दूसरी जॉब मिली थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कंपनी के साथ, और डोबिजल के साथ भी बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स आया था मुझे अपने एम्प्लॉयर के तरफ से। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू डोबिजल फॉर हंटिंग जॉब्स। डोबिजल में भी सेम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका सीवी अपलोड करना पड़ेगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस आपको शो करेगा आपकी हर फील्ड का, या फिर आप ड्राइवर के हो या फिर हॉस्पिटैलिटी, कोई भी आपकी फील्ड हो, आपकी फील्ड के मुताबिक आपको जॉब देखना है। तीसरा एप्लीकेशन है इंडीड। इंडीड में भी सेम आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका फील्ड अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। गाइस, आपके फील्ड के मुताबिक आपको जॉब मिलेगा। जो भी कंपनी में आप डिज़र्विंग लगते हो वहाँ से आपको कंपनी वाले ख़ुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको एक डेट बताएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा चलता है। फिलहाल कंपेयर टू लास्ट 2-3 ईयर्स मार्केट में अभी उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्यों,
काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं आप लोग ट्राई मत करिए, जॉब्स है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है एक महीना लगेगा, हो सकता है दो महीना लगेगा, हो सकता है तीन महीना लगेगा, लेकिन हार नहीं मानना है, जॉब मिलेगा, अपनी फील्ड का जॉब ढूंढिए, बिल्कुल मिलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। भाई लोग इसी के साथ साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, क्वेरीज़ के लिए, कोई भी डाउट हो दुबई के रिलेटेड, यूएई के रिलेटेड, भाई को कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, एनी टाइम आपको रिप्लाई दूंगा मैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपके भाई को फॉलो भी कर लो। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, बाय।